मैंने उठाया तो कभी चिटका नहीं, आज जाने के टाइम चिटक रहा है। यह हमारा आबू अभी तो फिलहाल में आधा दिख रहा है। हाँ बोलो, जब हम पहनेंगे तो पूरा दिखेगा। क्या मजा आ रही है यार, इतने दिन के बाद चला के दिल नहीं हो रहा है कि इतना शौक। सुबह के बज रहे 6:48। अब यासर भाई का मैसेज आया, फिर से आया है और अपने दिन की शुरुआत हो चुकी है। यासर भाई और मैं, हम लोग दोनों, वो एक घंटा पहले उठते हैं, मैं एक घंटा लेट उठता हूँ। इसके लिए हम लोग सवेरे सवेरे बहुत बातें कर लेते हैं। दिख गया क्या बकरा? काट दूंगा, छुपा दूंगा। तो मालवा आवाज कर रहा है, मैं बोल। बड़ की पत्ती, बहुत सारी पत्ती। और वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फटाफट से रूम साफ करता हूँ, देखता हूँ क्या है और मिलता हूँ आप लोगों को। तो सुबह के 7:30 बजने आ गए और अपना काम हो गया गोट रूम में। अभी सब पत्ती वगैरह डाल दिया हूँ और बोर के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट करने की भी कर दिया मैंने, सवेरे सवेरे ही कर दिया क्योंकि फिर दिन भर मुझे यहीं पर रहना पड़ता है। ट्रीटमेंट करने में मेरा वक्त चल जाता तो मैं बाहर के काम नहीं कर पाता, तो मैंने आज सवेरे ही सारे ट्रीटमेंट उसके जो करने थे, उसको दवाइयाँ देनी थी, वो सब कर दिया। अभी मैं फ्री हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बस दोपहर में या शाम में एक बार टेम्परेचर चेक करेंगे, बाकी अपन फ्री है अभी। कोटा मस्त अपने पत्ते खा रहा है, मालवा भी पत्ते खा रहा है, बोर भी खा रहा था पत्ते। और कल डॉक्टर भी आए थे तो जब पेट चेक किए तो बोले हाँ पत्ते तो खा रहा है, पेट में तो लग रहे हैं उसके, और जुगाली उगाली भी कर रहा है। तो इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में अपनी लाइन पे आ जाएगा। तो अभी यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है, अभी जाते हैं जिम। जिम कब जाएंगे पता चल जाएगा आप लोगों को, बने रहिए चैनल के साथ। मैं कैंप गया सवेरे सवेरे अपना काम निपटा के, तो आते आते मैं बोला गाड़ी की सर्विस के लिए देना है, तो सर्विस ही क्यों दे रहे, सर्विस को डाल दिया। और फटाफट घर पे जाते और फिर जिम जाना। वक्त है अभी हमारे ब्रेकफास्ट का, फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10 बज गए, व्लॉग आ गया होगा। ब्रेकफास्ट करता हूँ, जिम जाता हूँ। नाश्ता वाश्ता तो हो गया, आज जिम पे जाने का कैसे जाने का, कार तो लेके जाएगा नहीं, मैं खलीफा को भी लेके जाऊंगा। तो आ रही है अपनी ड्यूक, कुटी छोड़ रहा है मेरे को। नहीं मैंने चला रहा, तू चला, मैं पीछे बैठूंगा। मेरे को दूसरे की गाड़ी के पीछे बैठना अच्छा लगता, खुद की गाड़ी चलाना अच्छा लगता। चलो चलते जिम, पावर ज़्यादा है। हमारा शेर देगा, हमारा शेर 125 cc मगर फुल पावर है। आ गए हम जिम, क्या टाइम हो रहा है अभी, 10:30 बज रहे। फटाफट करते वर्कआउट और वर्कआउट के बाद मिलता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट में। आज क्या है वर्कआउट मुझे तो वो भी याद नहीं, देखना पड़ेगा अभी शेड्यूल में। चलो मिलता हूँ आपको। टाइम हो रहा है 11:40 और अपना वर्कआउट हो गया है आज। चेस्ट और शोल्डर्स थे, लास्ट टाइम का जैसा नहीं बोलूँगा, चेस्ट और ट्राइसेप्स। और फिर वो मीम डालनी पड़ती थी मुझे, कौन सी वाली, वही वाली, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा, क्या कर रहा, मार। तो अभी फटाफट से रिक्शा देखते, ऑटो थाईलैंड की जबान में टुक टुक, फटाफट देखते और जाते। वर्कआउट के बाद है ना सबसे पहले खाना चाहिए, बहुत भूख लगती। देखो तुम लोग भी नजारे लो, वहाँ ऊपर जिम है जहाँ पे मैं वर्कआउट करता हूँ। चलो ऑटो ढूंढता हूँ और निकलता हूँ मैं फटाफट से। कहाँ मिलेगी ऑटो, अच्छा बैठा है उसमें कोई। चलो मिलता हूँ। तो रिक्शा, बाप रे क्या आवाज़ है, डर गया मैं तो। तो रिक्शा मिल गई और काका 30 रुपये नहीं 50 रुपये लेंगे बोलते, चलो कोई बात नहीं दे देंगे। चलो काका, यहाँ से अपना घर 2 किलोमीटर भी नहीं है।
अगर ज़रूरत है अपने को तो, जब किसी को ज़रूरत रहती है ना तो फिर वो करता है, कुछ भी करता है। चलो फटाफट खाते जाके। ऐसा कभी जब उठाया तो कभी चिटका नहीं, जाने के टाइम चिटक रहा है। या हमारा अबू, हमारा भांजा जा रहा है, 2.5 साल से यहीं पे था हमारे साथ, अभी जा रहा है हमको छोड़ के। तो ऐसा बुलाओ तो कभी आता नहीं था, और अभी जब जा रहा है तो चिटक गया एकदम। कभी आएगा तू? आएगा कि नहीं ऑफिस? हाँ, इसका नाम क्या है रे? जाफर। ओ जाफर भाई, जाफर जे, जाफर जागीरदार। मेरे को तो हमारे वो मेंढे भाई जाफर भाई कोल्हापुर वाले की याद आ गई इसका नाम सुन के। इसका तो नाम भी नहीं पता था मुझे अभी तक। तो चलो, अबू और जाफर को अलविदा हो गए। अभी अपने को लगी है भूख, अपना हाफ फ्राई रेडी है, फटाफट खाता हूँ और मिलता हूँ कोर्ट रूम। कुछ काम है वहाँ, बाहर भी जाना है फिर। अरे अपने पास तो बाइक ही नहीं है, खलीफा पे जा ही नहीं सकते, तो वाले प्लान आज कैंसिल करने पड़ेंगे लगता है। देखता हूँ, बताता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है। सवेरे ही मैं जब दवाई पिला रहा था ना तो जुगाली कर रहा था। अब सोचो 5 दिन से इसने दाना खाया नहीं है और घऊ थे उसके मुंह में, जुगाली जो कर रहा था। और जो उसकी लैट्रिन में बास आ रही है ना, सेम जब मैंने इंजेक्शन निकाला ना दवाई पिला के, तो इंजेक्शन में भी सेम वैसा ही स्मेल था। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के। नाश्ता हो गया, मैं सोचा एक राउंड मार लूँ और फिर आगे के काम के लिए बढ़ते। आज काम कैसे होंगे यार? अपनी बर्गमैन जिसका नाम हम लोगों ने जेट्स की रखा है, वो तो हमारे साथ है ही नहीं। और क्या कमेंट कर रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़ तुम लोग। मैं फुर्सत में ना वो सब कमेंट का नोट बनाने वाला हूँ। वो नोट बना के फिर मैं आऊँगा, बात करता हूँ कमेंट्स के बारे में आपसे। खेल रहे तुम लोग? खेलो खेलो जाओ, फटाफट सही हो जाएगा तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और 2 दिन काम कर रहा था मैं, मुझे सुजुकी से फ़ोन आया कि गाड़ी सर्विस हो गई है, आप आके गाड़ी ले जा सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ खलीफा पे अपनी जेट स्की को लाने, तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी जा रहा था सुजुकी शोरूम, तो अक्षय आया है। अक्षय को ने मिलाता हूँ और वो ये जैकेट लेने आया है। चलो अक्षय से मिलाता हूँ आपको। तो ये है अक्षय। अक्षय को पहले भी आप लोगों ने मिला है। कैसा है भाई? बस ठीक, आप बताओ? एकदम बढ़िया। कैसे चल रहा है ब्लॉग सब का? देख रहे हैं ना जी? यस, सुबह नहाए बराबर पहले अपना ब्लॉग रहता देखने। देखे अक्षय जो है बाउंसर है, मेरे लिए काम करता है। अक्षय आया है ये जैकेट लेने, जिस पे अपनी कंपनी की ब्रांडिंग है MK सर्विसेज। अभी तो फिलहाल में आधा दिख रहा है, जब हम पहनेंगे तो पूरा दिखेगा। कुछ कुछ महीने बचे हैं जब क्लब्स खुलने वाले हैं, कल तो फुल पावर है। रोज देखने मिलेंगे मेरे बाउंसर्स आप लोगों को, मेरे क्लब्स आप लोगों को, जहाँ पे मेरी सिक्योरिटी है। मज़ा आने वाली है आप लोगों को। मैंने बुलाया था अभी अक्षय को ये जैकेट देने के लिए, एक नया बंदा ज्वाइन किया है, पुराना ही बंदा है फिर से ज्वाइन किया है, तो उसको ये जैकेट भिजवा रहा हूँ मैं। तो मैं जाने वाला था मगर मैंने अक्षय को बुला लिया और अक्षय जा रहा है। अक्षय से समथिंग टू माय सब्सक्राइबर्स। ए वल्लू, बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस, 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 बस। मैं आपके सब्सक्राइबर को यही कहना चाहूँगा कि लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और आपके फ्रेंड्स को भी करने के लिए लगाओ। सुने, बाउंसर है मेरा, और कोरेगा पार्क, मुंडवा और विमान नगर पूरा मेरा यही संभालता है अक्षय भुजबल। अभी ये कहीं मिलेगा तो इससे नंबर मांगना नहीं, ये तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आज से 8-9 साल पहले से मेरा नंबर किसी को नहीं देते, आप लोगों को बस प्यार दे देंगे मेरी तरफ से आप लोग जहाँ पे भी मिलोगे आप। तो चलो मैं बाहर जा रहा, तो तुम बकरे संभालना सही से। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर नहीं निकालना, बस देखना अच्छी आवाज करे तो कुछ करे तो दादी को आके बोलना। मुझे, मैं तो नहीं रहूंगा ना। ओके चलो बोलो, झाड़ उगा रहे, उगाओ उगाओ। तो मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग्स पे। बहुत दिन बाद निकल रही है खलीफा, मुझे लगता है 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। सांस लग जाती है यार इसको निकालने में। सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़िर ली वही नोवला खुदना इल्ला अंत। थोड़ा मुस्कुराना। वेलकम टू द मोटो व्लॉग्स। मोटो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आज खलीफा को
निकाला हूँ, शायद एक हफ्ता हो गया या एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, और मैंने खलीफा को निकाला है क्योंकि जेट्स की को लाने जाना, जेट्स की अपनी बर्गमैन जो सवेरे अब ने सर्विसिंग को दिए थे उसे लाने जा रहा हूँ मैं अभी, और मेरे साथ है ज़ेबा। तो चलिए फटाफट चलते, इसमें पेट्रोल भी पूरा ख़त्म हो गया है तो खलीफा के अंदर पेट्रोल भी फिल कर देते हैं, क्योंकि खलीफा ऐसी बाइक है जो मेरे प्लान के हिसाब से कभी भी मुझे निकालनी पड़ सकती है, तो इसको हमेशा पेट्रोल फुल ही रखना चाहिए। तो पहले इसमें पेट्रोल फुल करते हैं और फिर जाते हैं सुजुकी शोरूम जहाँ पे जेट्स की दी है हमने सर्विस के लिए। क्या मज़ा आ रही है यार, इतने दिन के बाद चला के दिल नहीं हो रहा है कि इतना शॉर्ट राइड करूँ इसको। यहीं पे लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है मगर मैं यहाँ से फिल नहीं करूँगा, थोड़ा आगे तक जाऊँगा क्योंकि ज़ेबा भी फर्स्ट टाइम बैठी है खलीफा पे, उसे भी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये हम आ गए RTO के पेट्रोल पंप पे, यहाँ से हम लोग कर लेंगे अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल और फिर निकलेंगे अपनी जेट्स की को लेने के लिए। फुल कर देना मैडम, कार्ड है, कार्ड देता हूँ। क्या रेट चल रहा है देखो, 107.55 पैसे, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, ये कभी कम नहीं होने वाला है, और ज़ीरो देख के लेना हमेशा। इसमें पेट्रोल बैठता है, नॉर्मली मैं जब फुल कराता हूँ तो 1400-1500 रुपए का पेट्रोल बैठता है, 15 लीटर की टैंक है ये, तो देखते हैं कितना बैठता है अभी। हाँ सही है, तो ये बैठा 1530 रुपए का 14 लीटर 230 ml, तो ये बैठा देखो 1530 रुपए में। मेरा कार्ड घर पे, अभी मेरा कार्ड तो घर पे रह गया, चलो इससे ले लो, वाईफाई चालू है उसमें, मेरा कार्ड तेरे पास ही है। तो पेट्रोल हो गया फुल, अभी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मैंने फुल इसीलिए कराया है कि कहीं पे चले जाऊँ मैं बोला था ना सवेरे के, मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है कि कहीं पे जाऊँ अकेले बाइक लेकर या फिर साथ में किसी को लेकर मैं चला जाऊँ, देखो तुम, क्योंकि अभी बोर भी सेट लग रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जा सकता हूँ जानवरों को छोड़ कर, इसलिए मैंने खलीफा को फुल कर दिया कि जब मुझे ज़रूरत पड़े इसकी तो मैं इसे निकाल सकूँ। ये पहली वाली इनोवा है क्या, अपनी वाली है ना, ये वही गाड़ी है, ये मेरी वाली इनोवा है जो मेरे पास पहले थी। ये वही है, 100% वही है ये, कितना धुआं मार रही है यार, क्या हालत कर दी है इसकी वो लोगों ने। ये मेरी इनोवा है और मैंने इनको इतनी अच्छी दिया था, ये लोगों ने क्या हालत कर दी। खैर चलो हम लोग जाते हैं सुजुकी, नहीं फ्री नहीं कुछ रहता, पैसा देना पड़ता है ऑयल का, और वो ऑयल का ही पैसा लेते हो लोग, तो लेबर ही वर्क शायद नहीं लेते। गाड़ी मस्त चकाचक हो गई, बहुत गंदी हो गई थी गाड़ी। ये सेकंड सर्विस है अपनी बर्गमैन की, चलो बिल पे करके आता हूँ। तो गाड़ी सर्विस हो गई, मस्त लग रही है गाड़ी, अभी ये ज़ेबा चलाएंगे, और 440 रुपए का बिल आया, गाड़ी एकदम क्लीन हो गई मगर मस्त एकदम। चलो अपन अपनी खलीफा पे बैठते हैं और जाते हैं घर। तो क्या लगता है आप लोगों को, मैं कहीं पे जाने वाला हूँ या नहीं, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। जब भी बैठूँ ना गाड़ी पे यार, ये लाइट्स देख के ना मेरे को एक अलग ही फीलिंग आती है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो चलो खींचते थोड़ा इसे, अभी जब भी खींचने नहीं मिला। गाड़ी खींचो मगर पूरी सेफ्टी के साथ, मैंने पूरी सेफ्टी के साथ नहीं हुई इसके लिए मैं रुक गया, मैंने हेलमेट तो पहना है मगर शूज़ ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो इसके लिए इससे दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैंने
खींचना बंद कर दिया। तो चलो घर पे मिलता हूँ डायरेक्टली आपको। तो खलीफा और जेट्स की लग गई पार्किंग में और अब मैं जाता हूँ घर के अंदर, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो शाम के बज रहे हैं 5 और अपना फीडिंग का टाइम हो गया है। पत्तों की जो लकड़ियाँ थी सब हटा दिया मैंने। देखे ऐसा करता है ये। तो अभी फीड का टाइम है, फटाफट फीड डालता हूँ, देखता हूँ सब कैसा चल रहा है और फिर अपडेट देता हूँ आपको। अरे नूरा और मालवा अंदर दाना खा रहे हैं तो सुल्तान को हम लोगों ने बाहर छोड़ दिया। माही सुल्तान को पत्ते खिला रही है। माही खा रहा ना? हाँ। पहले से बहुत बेटर है सुल्तान, इंशाल्लाह एक दो दिन में रिकवर हो जाएगा। खा रहा है पत्ते, खा रहा है, जुगाली कर रहा है। पहले जैसे छोटी छोटी जुगाली कर रहा था ना, अभी बड़ी बड़ी जुगाली कर रहा है। तो इंशाल्लाह एक दो दिन में रिकवर। तो रात के बज रहे हैं 1949 और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने कमेंट्स में जो नाम आप लोगों ने लिखे हैं वो सारे पढ़े मैंने। तो मुझे जैसा लगा मैंने सब शॉर्टलिस्टेड किया है। गुड नेम्स, फनी नेम्स और शॉर्टलिस्टेड, मतलब शॉर्टलिस्टेड जो मुझे पसंद है। तो टोटल नाम आए हैं 16 नाम आए टोटल। 16 नाम में से मैंने शॉर्टलिस्टेड किए हैं 3। तो पहले आप लोग सुन लो गुड नेम्स। गुड नेम में मुझे अच्छा लगा नोयान, अलादीन नहीं रख सकते क्योंकि अलादीन जो है अपने नईम भाई बम्बई वाले जो उनका एक मालवा था 2019 में वो अलादीन था और वो मतलब जो एक सीरीज चला रहा है ना उसी को चलाने देते हैं। कोई सीरीज चला रहा है उसका नाम हम लोग रख ले और वो लोग भी अपने भाई है, कोई टेंशन नहीं है वैसा। और दूसरा एक अच्छा नाम था नवाब और एक इक्का, वजीर, प्रिंस, ये जो प्रिंस है ये वाइट प्रिंस था, इसके लिए मैं प्रिंस ही लिखा हूँ सिर्फ। टाइसन, मुफासा, हीरो, मिर्ज़ा भी जो है मैंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया हो क्योंकि मिर्ज़ा जो है अपने सफदर भाई का है तो सफदर भाई की सीरीज चलते आ रही है मिर्ज़ा की, तो सफदर भाई को कंटिन्यू करने देते हैं वो चीज़ को। और फनी नेम्स में मेरे को देखो लगा ये जोजो, मोजो, चांद, मोगैम्बो, हीरामन, ये जो नाम है मुझे फ़नी लगे। और इसके अलावा जो मुझे पसंद आए जो गुड नेम्स जो थे, अच्छे नाम जो थे, उसमें 3 नाम मुझे पसंद आए हैं और वो 3 नाम हैं। अभी ये 3 नाम में से आपको सेलेक्ट करना है, मैं ये 3 नाम आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 नाम हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके दो और आप लोग कमेंट्स में डाल दो। तो जो मेजोरिटी जो नाम में ज़्यादा रहेंगी वो नाम अपन मालवे को दे देंगे। तो फर्स्ट नाम है नोयान, सेकेंड नेम है टाइसन और थर्ड नेम है मुफासा। ये 3 नाम जो है, और ये मुफासा जिसने बोला है ना उसने तो इतने कमेंट किया है वो कमेंट बॉक्स में कि मैं परेशान हो गया। और मुझे अच्छे लगे ये तीनों नाम, इसलिए मैंने ये तीनों नाम दिया हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जितने ज़्यादा मेजोरिटी में जो नाम होंगे वो मैं रख दूंगा, नोयान, टाइसन और मुफासा। बनता है आप लोगों का दिया हुआ एक नाम। कोटा का नाम तो मैंने रख दिया नूरा, बोर का नाम भी रख दिया मैंने सुल्तान, तो मालवे का नाम आप लोग दोगे। तो ये मैंने दिया आप लोगों को जिम्मेदारी। अब ये आप लोगों का काम है कि कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि क्या नाम होना चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोट रूम में, गोट रूम का सारा काम फटाफट करके आता हूँ और मिलता हूँ आपसे। दोनों को खोल दिया मैंने, कब तक लड़ेंगे, कब तक बांध के रखूँगा। थोड़ा अच्छा लग रहा है बोर को, इसके लिए मैं सोचा खोल दूं तो थोड़ा सा रहेगा साथ में, तो थोड़ा सा हैबिट हो जाएगी। देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इधर का काम और मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। बस 10-15 मिनट का काम है, 8 बज गए। तो मैं आ गया गोट रूम में से अपना काम करके, अपना खाना खा रहा हूँ मैं, अपनी डाइट का खाना। तुम लोगों ने खाए? हाँ। ये क्या पढ़ रहे? तो माही अमना ने भी अपना खाना खा लिया, सारे काम हो गया दिन के, गाड़ी सर्विसिंग हो गया, गई खलीफा पे राउंड हो गया। मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया है, वो जो 3 नाम है नोयान, मुफासा और टाइसन। मुफासा, टाइसन और नोयान, ये 3 नाम में से आप लोगों को एक नाम से कौन सा आप लोग बता रहे हो वो बताओ,
सेलेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी में कमेंट करो, वो फिर वो नाम रख देंगे हम लोग। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे से कुछ दूसरे काम के लिए, और ये वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो ये वीडियो कोई भी वजह से अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे देना, नहीं अच्छा लगा तो बिंदास डिसलाइक दे के जाना, क्योंकि यहाँ पे सब चलता है। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला वीस्टा। मैं तो अपनी डाइट खा रहा हूँ, पिस्ता मैं नहीं खाऊंगा। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय।